कॉटन कपड़े के नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोफिया। आई एम तशबिया। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हमारे मतलब सबकी शादी होती है, मेरी भी शादी हुई थी, मेरी भी कुछ यादगार चीज़ें हैं। और जैसे कि आज हम एल्बम देख रहे थे तो इन्होंने कहा, मतलब तशबिया ने, कि चलिए आज हम सबके साथ शेयर करते हैं कि आपके शादी की फ़ोटोज़। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपनी शादी के पुराने फोटोज और देखिए आप बताइएगा अब हमने कितना फर्क आ गया है पहले से। पहले बेहतर थे हम। तो सबसे पहले आप दिखाएंगे शादी की मम्मी की फोटो, जैसे कि ये देखिए ये मेरे शादी का फोटो है। और नेक्स्ट फोटो दिखाइए, ये इनके डैडी, ये देखिए डैडी को, इसे के आप देख रहे हैं ये दूल्हा बने हुए। और नेक्स्ट फोटो, और ये देखिए जब मेरी रुखसती हो रही थी तो ये देखिए मेरे भाई ने हमको सेहरा बांधा था। ये रहमान है, मेरा छोटा वाला भाई है। अब तो माशाल्लाह ये भी दो बच्चों के बाप हो चुके हैं। और ये देखिए हम लोग की ये है नानी। और दिखाते हैं ये देखिए, ये दूल्हा बन रहे थे कि काजल लगवाए, काजल लग रहा था इनके। और ये देखिए सहरा पहने हुए हैं जैसे कि। और अब दिखाते हैं हम आपको अपने दूसरे दिन के मतलब वलीमे वाले फोटो। अब तो सबसे पहले देखिए मेरी मम्मी को, मेरी सास को, मेरी सासू माँ है ये वाली, हाँ हम लोग की दादी है, और ये वाली नानी है, और ये बीच में, और ये है हमारी अम्मी, और ये है हमारी सासू माँ, और जो आज हमारे बीच नहीं है, आप लोग जो देख रहे हैं सब इनके लिए दुआ करिएगा। और दूसरी फोटो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मेरी जिठानी है जो पिंक में है। मम्मी को पहचानिएगा कि मम्मी इसमें से कहाँ है, बताइए बताइए हम कौन से हैं, कि मम्मी कौन सी हैं। और ये देखिए ये सब पुराने फोटोज हैं, आज बहुत पुराने फोटोज सब निकाल के रखे हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं छोटे से फोटो जैनब का भी। ये देखिए जैनब का पहले बर्थडे का फोटो है, ये 1 साल की हुई थी जैनब। हाँ ये देखिए, जैसे कि आप इनको तो जानते ही होंगे, ये बड़ी हो गई है, ये जैनब है। और इनका एक और फोटो दिखाते हैं, ये देखिए दूसरा कौन है वो आप हमें पहचान के बताइएगा कमेंट में। बड़ी वाली तो जैनब है, दूसरी कौन है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और और उसके बाद हम लोग जब हमारी जैनब छोटी थी, साल भर की थी, तो हम लोग नैनीताल भी घूमने गए थे, वो भी फोटो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए ये इनके डैडी है। और ये देखिए हॉर्स राइडिंग कर रहे थे जब। ये देखिए ये हम दोनों का फोटो है। हरे वाले फोटो कपड़े के नहीं है। अच्छा। और ये देखिए मम्मी लोग के साथ जो कि गए थे, इनके फ्रेंड्स हैं। और ये देखिए पीछे कितना धुआं था नैनीताल में। हम लोग को बहुत सारे फोटोज हैं, हम लोग भी दिखा रहे हैं और दिखाते हैं। ये देखिए मम्मी, शिफा देखो कितनी छोटी सी है। हाँ ये इसको बताइए ये कौन है, ये छोटी सी हमारे साथ कौन है। अब हमने आपको इतना बता दिया, अब ये बताइए ये कौन है। उसका
वही गई थी नैनीताल। ये सब पुरानी यादें हैं हमारी। कहती तो है बचपन में पता है कुछ जैसे की ये बाद वाला फोटो अकीके के दूसरे दिन का, इनका अकीका किया था उस दिन, दूसरे दिन ये तो बहुत रो रही थी तो ये चुप ही नहीं हो रही थी। ये देखिए रोती बहुत थी है। एक मिनट, मम्मी बताती है कि ये रोती बहुत थी। मम्मी गोलू की तरह लग रही है, गोलू हमारी तरह। और दिखाते हैं और फोटो, ये देखिए मम्मी जैसे कि लिए हुए हैं ज़ैनब। ये हकीका हुआ था ना जब जैनब का, जब का है फोटो, सबने मतलब इन लोग को मतलब बट्टा उड़ाया था, मिठाई उठाई करी जाती है ना, वो क्या कहते हैं कपड़े पहनाए जाते हैं, ये वो था मसला। तो अब लाइक कर दीजिएगा, बता तो रहे हैं सब पुरानी यादें हैं। ये देखिए ये भी खिला रहे हैं सब लोग, हम लोग दोनों जनी बैठे हुए थे, मेरी अम्मी भी खड़ी हैं और मेरी सिस्टर हैं वो खिला रही हैं हम लोग को मिठाई। अच्छा ये बताइए ये पीले कपड़े पहने हैं ये कौन है, इसको आप पहचान कर ज़रूर बताइएगा, हमें बताइए कमेंट में कि ये कौन सा बच्चा है, इसका नाम क्या है। ये भी मेरी बेटी है, इसका नाम बताइए, बताइएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग सब अच्छे से जानते हैं इसको। तो गाइस देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने आप लोग को बहुत दिन पहले जो बच्चे दिखाए थे आज वो देखिए इतने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, जैसे कि बास्केट पे बैठे हुए हैं और एक देखिए ये बैठे हुए हैं, ये देखिए इतने बड़े हो गए हैं कि यहाँ ऊपर चढ़ के बैठ गए। हटे जरा, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा है। और ये देखिए इनके इसकी तरह बिल्कुल मिलता है जैसे कि वाला बच्चा ऊपर वाला, इसी का बेटा है क्या? नहीं ये अलग से आया था। अच्छा ये देखिए बाकी अंडों पर बैठी हुई है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं और हम लोग के जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी तेज है, जैसे हमारे पेड़ इतने हरे भरे इतने अच्छे थे कि देखिए ये अनार का ही अमरूद का सारे पेड़ जल के खत्म हो गए, वो भी जालिम धूप की वजह से बेचारे जल के खत्म हो गए। अब बारिश हो शायद तो ये हरे भरे हो जाए, थोड़े से बचे हैं जो बेचरम टाइप के हैं वो बच गए हैं, बाकी ये देखिए ये गुड़हल का पेड़ है हमारा, इतने अच्छे फूल देता था सब जल गए, पानी डालने के बाद जल गए। ये देखिए तो गाइस देखिए हम लोग की हरियाली जो थी वो सब सूख चुकी है और पूरे मेरे मतलब मेरे पेड़ जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब इसलिए जैसे हम हरे भरे पेड़ों के साथ फोटो खींचते थे आज हम सूखे पेड़ों के साथ फोटो खींच के डालेंगे। तो गाइस देखिए ये पेड़ हमारे नीचे थे, यहाँ धूप कम आती है तो ये माशाल्लाह सब देखिए हरे भरे हैं, इसमें फूल भी है, ये देखिए हमारे फ्लावर भी अच्छे अच्छे खिले हुए हैं, और लेकिन ऊपर के सारे पेड़ जो हैं वो गर्मी की वजह से धूप की वजह से सूख गए हैं।
तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक बाय बाय। टूट चुकी है, गिर जाओगी, गर्मी है बेटा, रहने दो, मत जाओ। क्या दिखाना है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।